पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ परासिया में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर भाजपा नेता रुपेंद्र डहरिया व वकील बल्लू नागी ने दर्ज कराई। दिग्विजय सिंह ने पूर्व सरसंग संचालक माघव सदाशिवराव गोलवलकर को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद भाजपा उन पर हमलावर हो गई है। इसी के तहत ये एफआईआर उन पर दर्ज कराई गई है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें लिखा था कि सदाशिवराव गोलवलकर ने अपनी पुस्तक वी एंड अवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल अपने दो तीन विश्वसनीय धन लोगों को सौंप दें और 95% जनता को भिखारी बना दें, उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। इसके साथ ही इस पोस्ट में लिखा था कि मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो दलित पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। अब इस ट्वीट के बाद भाजपा उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता रुपेंद्र डहरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट शेयर की थी उसका हम विरोध करते हैं। सदाशिवराव गोलवलकर ने कभी भी ऐसी जातिगत बातें नहीं की थी। रुपेंद्र डहरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने ऐसी पोस्ट करके आरएसएस की छवि खराब करने की कोशिश की है, इस वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। द्वारा मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दिनांक 8 जुलाई को मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा आरएसएस के द्वितीय संचालक गुरु गोवलकर जी की तस्वीर के साथ एक मिथ्या पोस्ट की गई थी, जिसमें अनर्गल टिप्पणी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि गुरु गोवलकर जी ने यह कहा है कि यदि मुझे पता होता कि दलितों, मुसलमानों और पिछड़े वर्ग को यदि आज़ादी के बाद समानता मिलेगी तो मुझे अंग्रेजों की गुलामी ही पसंद थी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। और ऐसी पोस्ट दिग्विजय सिंह ने की है, इनके खिलाफ इंदौर में भी एक एफआईआर की गई है। हम लोगों ने यहाँ पर भी एक आवेदन दिया है कि दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ धारा 153, 469, 505 और 500 के तहत मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने जातिगत व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों में सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया है। सरसंघचालन परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवत जी के पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने जातिगत बातें की है या अपने जातिगत भाव को रखते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी कि उन्होंने दलित मुसलमानों के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की थी, जिसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। गुरु गोवलकर जी ने ऐसी कभी भी जातिगत बातें नहीं की थी। उनकी छवि को धूमिल करने के लिए एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने ऐसा फर्जी पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल पर किया हुआ है, जिसका विरोध हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और आज हमने थाना परासिया में आकर उनकी एफआईआर दर्ज कराई है। हम शासन प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।